हमारे हिमाचल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी फिर आ गई है। जैसे मेरे भाई नाना जी ने बताया कि न जाने हम लोगों से क्या गलती हो गई थी, क्या भूल की हमें सजा मिली है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें रही थी, बहुत बहुत कम कम मार्जिन था। और आज जिस विचारधारा को, जिस दुष्टता को, जिस भ्रष्टाचार को, जिन कुनीतियों को सारा देश त्याग चुका है, एक आदि और कोई स्टेट है जहाँ पे हिमाचल की गवर्नमेंट है, आज हम अभी भी उसी कांग्रेस के रोने पीटने से पीड़ित हैं, जिससे पूरा देश आजादी के बाद 70 सालों तक पीड़ित रहा। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो सब जानते हैं, ना जाने कितने गांव में तो सिर्फ पानी तक नहीं था, बिजली तक नहीं थी, स्कूल हॉस्पिटल तो दूर की बात है। ये इतने दुष्ट हैं कि ये कोयला तक खा गए जिससे कि बिजली बनती है। इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किए, इतने स्कैम इन्होंने किए। जब हम छोटे भी थे तो हम सुनते थे, टीवी पे देखते थे, हर दिन नया भ्रष्टाचार, हर दिन नया स्कैम, हर दिन नया स्कैंडल। कभी ये लोग गाय का चारा खा जाते थे, कभी ये 2G स्कैम करते थे, एक से बढ़कर एक स्कैम करते थे। और उसका ही अभी एक छोटा ट्रेलर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हर दिन देखने को मिल रहा है। ये लोग आप लोगों को क्या संभालेंगे, इन लोगों से तो खुद की सरकार ही नहीं संभल रही है। देखिए क्या हालत हो गई है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को ही इतना पीड़ित कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में पैसा आया है और लालच आ गया है, तो ये कह रहा है मैं अपना सब कुछ किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। इस तरह की छोटी बातें ये लोग कर रहे हैं, और इनसे दुखी होके, भ्रष्टाचार से दुखी होके इनके ही कितने मंत्रियों ने बगावत कर दी है, पूरी तरह से उन लोगों ने जो है एक रेवोल्यूशन कर दिया है। और आज उनकी सरकार की ये हालत है कि कभी भी जा सकती है, और उनका पूरा ध्यान अब फिर से इलेक्शन पर है। उन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं है। हमारे हिमाचल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी फिर आ गई है। जैसे मेरे भाई नाना जी ने बताया कि न जाने हम लोगों से क्या गलती हो गई थी, क्या भूल की हमें सजा मिली है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें रही थी, बहुत बहुत कम कम मार्जिन था। और आज जिस विचारधारा को, जिस दुष्टता को, जिस भ्रष्टाचार को, जिन कुनीतियों को सारा देश त्याग चुका है, एक आदि और कोई स्टेट है जहाँ पे हिमाचल की गवर्नमेंट है, आज हम अभी भी उसी कांग्रेस के रोने पीटने से पीड़ित हैं, जिससे पूरा देश आजादी के बाद 70 सालों तक पीड़ित रहा। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो सब जानते हैं, ना जाने कितने गांव में तो सिर्फ पानी तक नहीं था, बिजली तक नहीं थी, स्कूल हॉस्पिटल तो दूर की बात है। ये इतने दुष्ट हैं कि ये कोयला तक खा गए जिससे कि बिजली बनती है। इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किए, इतने स्कैम इन्होंने किए। जब हम छोटे भी थे तो हम सुनते थे, टीवी पे देखते थे, हर दिन नया भ्रष्टाचार, हर दिन नया स्कैम, हर दिन नया स्कैंडल। कभी ये लोग गाय का चारा खा जाते थे, कभी ये 2G स्कैम करते थे, एक से बढ़कर एक स्कैम करते थे। और उसका ही अभी एक छोटा ट्रेलर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हर दिन देखने को मिल रहा है। ये लोग आप लोगों को क्या संभालेंगे, इन लोगों से तो खुद की सरकार ही नहीं संभल रही है। देखिए क्या हालत हो गई है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को ही इतना पीड़ित कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में पैसा आया है और लालच आ गया है, तो ये कह रहा है मैं अपना सब कुछ किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। इस तरह की छोटी बातें ये लोग कर रहे हैं, और इनसे दुखी होके, भ्रष्टाचार से दुखी होके इनके ही कितने मंत्रियों ने बगावत कर दी है, पूरी तरह से उन लोगों ने जो है एक रेवोल्यूशन कर दिया है। और आज उनकी सरकार की ये हालत है कि कभी भी जा सकती है, और उनका पूरा ध्यान अब फिर से इलेक्शन पर है। उन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं।